चलिए वेलकम ऑल, शुरू करते हैं अपना अगला पेपर। चैप्टर है आपका मिश्रण या एलिगेशन। ठीक, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कॉन्सेप्ट समझे हैं सब लोग कि अगर कोई चीज है उसको किसी अनुपात में डिवाइड करना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन पढ़े आप लोग, पहला है एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। ठीक है, इस मिश्रण के यानी जो मिश्रण है 20 केजी में कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो। एक दो क्वेश्चन पूरा आराम से समझे, इसके बाद बड़े आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, कोई एक वो है, मान लीजिए ये है और इसमें कितना लीटर है, केजी, लीटर कहते या केजी कहते होना चाहिए था लीटर। अब इसमें 20 केजी में 2:3 के अनुपात में याद रखिएगा पानी और दूध, पहले पानी है और फिर दूध है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं पहले। देखो भाई, अगर 20 लीटर ये मिश्रण है और 2:3 के अनुपात में सबसे पहले W और M, तो बताइए वाटर यानी पानी कितना किलो हो जाएगा। तो टोटल को देखो भाई, इसका मतलब बस समझिएगा, 2:3 का मतलब 2 और 3 5, टोटल मिश्रण को 5 बराबर भाग में आप बांट दो। तो अगर 20 को 5 बराबर भाग में बांटोगे तो कितना कितना, 4 4 4 4 4। ये दो हिस्सा क्या है, पानी और 3 हिस्सा। ठीक, यानी 8 और 12, या 20 का आप कितना 2 और 3 के अनुपात में है तो 2/5 इन दोनों का गुणन। ये भी आ गया कितना, 8, और बचा कितना। ठीक, अच्छा ये तो हुई पहली चीज की मिश्रण में हमने ये निकाल दिया कि कितना हिस्सा दूध और कितना हिस्सा पानी। आगे ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाना होगा। ठीक, जैसे अनुपात 1:1 का हो जाए। देखो भाई, 8 और 12 के रेशियो में है ये, 8 भाग क्या है हमारा, पानी। तो हमने कहा कि इसमें एक्स लीटर पानी और मिला दिया, यानी पानी जो पहले 8 था 1+X हो गया। अब इसके वजह से ये जो पानी और दूध का अनुपात बना वो कितना हो गया, 1 और, यानी दोनों बराबर। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8+X=12, तो X बराबर कितना, 4, और यानी कि 4 लीटर या 4 केजी हम इसमें पानी और मिला देंगे तो मिश्रण जो 8:12 था, ठीक है, अब वो 12:12 के हो जाएगा। तो ठीक है, इतना क्लियर। अगला देखें तो देखो भाई पढ़िए, तो एक कप में कप है रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता का मतलब आप सभी समझते हैं, किसी चीज में पानी या वाटर लिक्विड को ग्रहण करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वही धारिता कहलाती है। तो कह रहा है जबकि उसकी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात कितना है, 7 और 4 है। तो कह रहे यदि दोनों कपों की सामग्री, जब कप पूर्णतः भरा हो एक बर्तन में डाल दिया जाए तो बर्तन में पानी रस का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए, मान लीजिए कि एक ही साइज के दो कप हैं, मान लिया एक ये है और एक अल्लू भाई ये। ठीक है, अब दोनों में क्या क्या है, रस और पानी कुछ भी मान लो, और इसका अनुपात कितना है, 5:2, और इसका कितना है। तो हमने मान लिया पहले, अब इन दोनों में भरा तो है और उड़ेल दिया तीसरे में जो बड़ा था, तो निश्चित है मिक्सर मिल गया, तो उसमें पूछ रहा है कि रस और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो पहले वाले में अगर रस कहा जाए, पहले वाले में मान लो रस और दूसरे, देखो भाई रस का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/7, क्यों भाई, पहले वाले में, ठीक ना, और दूसरे वाले में प्लस 7/11, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब पानी का पूछा जाए तो 2/7 और प्लस 4/2 दोनों मिला दिया जाएगा ना, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, तो 77 आएगा, ये कितना, 55, और भाई कितना,
और ये टोटल कितना हो गया हमारा, चार, 100, और पानी इसी तरह जोड़ लो भाई, फिर से इसका भी 77 आएगा, तो कितना हो जाएगा 22, और ये कितना 28, हाँ 50 भाई बटे। अब देखो तीसरे में जब उड़ेला जाएगा, क्लियर है कि नहीं भाई, क्यों तो अब इस अनुपात में है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब 104 और 50 तो कितना हो जाएगा 52 और है ना भाई, देखो ठीक है, क्लियर है सबका ना भाई। पहले अलग अलग मात्रा ले लिया कि पहले वाले में रस और दूसरे वाले में रस दोनों का ये भाग, और पहले वाले का पानी दूसरे वाले का पानी ये, और दोनों को चूंकि मिलाया जाता तो रस का हिस्सा अलग पानी का इधर। अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन देखना भाई, एक लाइन का है, अगर क्लियर है तो ठीक, नहीं तो फंसाता है। कह रहा दुकानदार द्वारा 75 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे बनने वाले मिश्रण को 80 रुपए प्रति किलोग्राम। देख लेते हैं तो देखो भाई, अगर तरीका मालूम है तो ठीक, नहीं तो देखो महंगी वाली सस्ती वाली कितनी है 75 रुपए के हिसाब से, और महंगी वाली कितनी है 90, ठीक है। और इन दोनों को कह रहा है कि मिश्रण को किस रेट में बेचना है 80, तो हमने कहा इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्लियर। अब हमें मालूम है कि इन दोनों का डिफरेंस यहां और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई, और इन दोनों का 10, और इसी अनुपात में बनेगा, और इसी अनुपात को करोगे तो 2:1, तो हम कहेंगे इस सस्ती वाली 2 भाग और महंगी वाली 1, यानी 2 किलो इसे ले लें और 1 किलो इसे ले लें, ठीक। तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा वो देख लीजिए, और ये, और यानी 2:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो औसत हमारा हो जाएगा 80 रुपए, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो ये दिख रहा ना भाई, दो प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 लीटर, दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50, दोनों उसी तरह का है भाई। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य कितना है, ठीक है, तो बस वही कर लो 70 और कितना कर दें, और कितना करना है 55 बीच में, फिर क्रॉस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 15 दोनों का भाई 1:1, बस ये ज्यादा। अगला ठीक है, इसे छोड़ दें फिर, ठीक। तो देखिए तो ए और बी बर्तन के बिलियनों में अम्ल और जल का जो अनुपात है 4:5 और 5:1, यानी ये जो है ए में है और ये भाई बी में, ठीक। ए और बी से क्रमशः 4-5 लीटर और 4 लीटर बिलियन मिश्रण कर नया बिलियन बनाया जाए, नए बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात बनाए, थोड़ा सा करिए। तो भाई देखो सबसे पहले ए का कितना लीटर मिश्रण है 5, तो 5 में देखेंगे इस अनुपात में अम्ल निकाल लोगे और जल, और उसका भी अम्ल जल निकाल लेंगे। देखो भाई हमने का जो नया बनाएंगे नए बिलियन में, सबसे पहले देखो 4 लीटर का है कह रहा है, अरे सॉरी 5 लीटर करो, ठीक। तो 5 का कितना कर दें 4/9, देखो भाई सही है, और प्लस अब की कितना 4 लीटर का प्लस 4×5/, भाई क्लियर है ना ये, अच्छा। और ये क्या है, ये अम्ल का है, वाटर का, देखो भाई 5×5/9 प्लस 4×
एक बटे छः, बस इसी को सॉल्व कर दो, दोनों का हो जाएगा। ये कितना है, बीस बटे प्लस बीस बटे है ना, और ये भाई पच्चीस बटे नौ और प्लस चार बटे लघुत्तम चौवन आ जाएगा भाई, एक सौ बीस और एक सौ कितना, हाँ कर लो जैसे ही करना है, छत्तीस नौ छत्तीस आएगा। हम सीधे सीधे काट रहे, थोड़ा सा एक बार और काटना पड़ेगा क्योंकि अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करने की बहुत जगह नहीं रहती, इस वजह से तो बटे में चौवन ये किया और ये कितना चौवन ये डेढ़ सौ और प्लस कितना भाई छत्तीस, ये दोनों कैंसिल होगा, ये कितना तीन सौ अनुपाते कितना भाई पचास अनुपात, देखो हो रहा है ना, तीन से कटेगा ना, और छ और पचास अनुपात कितना भाई, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं सबको भाई, पक्का ना कि कहां से, क्योंकि दो पात्र था, एक पांच वाला था एक चार वाला था, तो पांच लीटर वाले में से सबसे पहले हमने ए और ये निकाला, फिर चार लीटर वाले में से वो निकाला अलग अलग कर। अगला देखिए, देखो भाई फिर कह रहा समान धारिता, जैसे धारिता उस बार देखो बदली हुई थी, ये जो था धारिता इसकी किस, ये देखो इसमें एक बार पांच लीटर था चार लीटर था, यानी समान धारिता नहीं थी, तो बर्तन था समान कैपेसिटी का नहीं था, मगर अब की जो है भाई वो कह रहा है समान धारिता वाले तीन जगहों में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात ये है, तो तीन जगहों की एक खाली कंटेनर है तो पनीर, अब बताओ भाई तो कुछ नहीं करना, ऐसे में मान लीजिएगा कि जो कंटेनर है एक लीटर का, ठीक, तो जब एक लीटर में है तो पहले में दूध की मात्रा देखो तीन सात और ग्यारह ले दो, तो बताओ भाई तीन बटे कितना करें चार, क्यों भाई भाई दोनों जोड़ोगे ना, और सात बटे और आगे बोलिए और 11 बटे 16, ठीक है एलसीएम 16 ले लोगे ये कितना आ जाएगा 12, तो भाई 14 और 11 दोनों जोड़ो तो 30 सैतालीस बटे 16, यानी दूध ये आ गया भाई। इसी तरह वो निकाल लो आप, क्या चीज का पानी देखो 37 है भाई 37 भाई, अच्छा इसको बताओ भाई कितना कर दे एक बटा चार ना, अरे यह लंकार एक बटा चार ना भाई, और एक बटा और भाई पांच बटा एलसीएम फिर से 16, तो चार दो पांच कितना 11, तो भाई अब 16 तो कटा 37 है। अच्छा देखो भाई एक चीज समझना, हम लोग पहले दूध का निकाले हैं दूध, और पूछा क्या है पानी, क्योंकि हमारा दूध और पानी निकला है, याद रखिएगा दूध और पानी, और पूछा है पानी और दूध, तो हम 11:37 पे करोगे, देखो ये चीज नहीं तो अगर ये मालूम पड़ता है यहाँ पे, अगर एक ऑप्शन ये 37 और 11 दिया रहता तो बात फंस जाती है, तो चेक करना पड़ता है कि पहले क्या पूछा था। अगले देखो भाई, अब देखो भाई यहाँ कंटेनर की क्षमता का अलग अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए पूरा, तो इससे पहले के जो पहले वाला था सेम उस तरह है, इसमें दो की जगह तीन पात्र हैं, भाई इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बस वही है, दो की जगह तीन चीजें, देखो भाई तीन कंटेनरों की क्षमता का अनुपात है, कम से इतने इतने दूध और पानी से भरे हैं, तो देखो भाई
पांच लीटर वाले में हमने कहा पांच गुणे कितना कर दें भाई, पहला एक चार एक बटा पांच प्लस चार है, चार गुणे कितना कर दें दो बटा दस, आठ गुणे भाई तीन बटे आठ, एक अटा यानी तीन एक चार तो ये हो गया और आठ बटे पांच अट्ठाईस। पहले बताओ भाई ये आया सबका, अब चले आए आप किसमें, फिर देखो भाई पांच गुणे कितना कर दें चार बटे प्लस चार गुणे तीन बटे प्लस आठ गुणे पांच बटे, सब सहमत भाई। अब देखो फिर पांच पांच कटा आठ आठ कटा नौ और प्लस बीस एक तेईस बटे पांच ठीक है ना, और पैतालीस हो जाएगा। देखो भाई ये सही है, देख लो एक बार क्रॉस चेकिंग करो तो सब लोग, अट्ठाईस अनुपाते 68 दो से कटेगा तो 14 अनुपाते सात अनुपाते दो से कट रहा है ना भाई 17। देखो भाई कुछ गड़बड़ हो रही थी, देखो चेक करिए तो, हाँ बोलो भाई कौन सा बोलिए, दूध वाले में पानी वाले में फर्स्ट वाले में ये तो 28 बटी पास नहीं है, अरे भाई 20 और 20 8 एक बार चेक करो भाई, देखो सुन लो वाले में, अरे किस वाले में कितना हो जाएगा 4 और 5 9 हो गया, 9 तो सही है ना, ओहो हम इसको गुणा 15 बटे भाई ये आएगा भाई, ये हम गुणा कर दिए जो कि ये ऊपर 4 किया 12 बटे 5 होना चाहिए, हम इधर कर दिए 28 बटे 5 और 57 बटे 5 5 5 कैंसिल तो बचा कितना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, हम ये गुणा कर दिए जो कि हम सोचिए प्लस है जो कि 12 बटे 5 होना चाहिए ठीक है। अगला देखिए कौन सा, हाँ नहीं समझ में आया बताओ भाई, देखो पी क्यू आर तीन कंटेनरों की क्षमता कितनी है, मान लिया 5 लीटर का है 4 लीटर का है और 8 लीटर का ठीक, क्रमशः इतने इतने और इतने में दूध और पानी से भरे ठीक। तो देखो भाई हमने कहा जो 5 लीटर वाला है उसमें दूध और पानी एक चार में है, तो बताओ अगर दूध एक के याद रखिएगा पहला क्या चीज है कि दूध और पानी है ना, पहले दूध है और फिर पानी, यानी एक भाग दूध है और चार भाग पानी, तो अच्छा बताओ भाई 5 लीटर में 1/5 ही तो करोगे ठीक है। दूसरा कंटेनर 4 लीटर का मान लिया उसमें क्या है 2 और 3 तो 4 का 2/5, 8 का 3/8 तो ये जो टोटल हो गया ये हमारा दूध का हिस्सा हो गया, यानी जब हम एक नए कंटेनर में डालेंगे तो दूध तीनों का हिस्सा ये हुआ, और इसी तरह से ये वाला हो गया ऐसे, फिर देखो भाई 5 का ये 4 का ये और 8 का ठीक है। अच्छा अब ये और इसी का अनुपात बना, ये काट दो गलत हुआ था ठीक। अगला देखो भाई चीज वही है, अब की कंक्रीट का 3 भाग बजरी का 7 भाग रेत का और पूरा कितना है 800 केजी, पूछा किसका है कंक्रीट का, तो आप क्या करोगे 800 और कंक्रीट का कितना दे रहा है भाई, कंक्रीट में चूने के भाग में यदि किलोग्राम में हो तो बजरी की मात्रा भाई
पजरी कितनी भाग है? सात भाग, तो सात बटे सात छ और कितना हो जाएगा? सोलह ना भाई, कितना? पचास, पचास गुणे सात कितना? तो हम कह देंगे सात पचे। अगला देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो तो भाई पहले आराम से। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए कह रहा है किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, शुद्ध दूध है, मिश्रण नहीं है आपकी, 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक, बचा कितना? 27 लीटर। अगर कह रहा है निकाला जाता और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, यानी पहले भाई 30 लीटर था और 3 लीटर निकाल दिया गया तो बचा था कितना? 27, और 3 लीटर फिर से पानी, यानी कि मिल्क और वाटर जो है 27 और 13 में बन गया। अच्छा, अब ये बन गया पूरा मिश्रण। अब इस पूरे मिश्रण में से कह रहा है उसके स्थान पे मिला है। जब प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो मतलब समझ रहे हैं आप, एक बार तो हो गई, अब इस मिश्रण में से एक बार फिर 3 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब दूध कहाँ निकाल पाएंगे हम? अब तो पूरा घुल गया ना। अब ऐसा थोड़ी ना एक किनारे दूध बैठा है, दूसरे पानी, तो हम दूध वाले की तरफ सही से पकड़ के निकाल लें भाई, वो तो मिक्स हो गया। यानी कि अब इस पूरे 30 में से फिर 3 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके जगह फिर से 3 लीटर पानी डाल दिया, ठीक। अब फिर ये मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और दूध कम होता चला रहा है। एक बार फिर यही किया गया, यानी टोटल प्रक्रिया कितनी बार की गई? 3। तो इसमें पूछते हैं बताओ कि अब पानी कितना बचा, या पानी और दूध का रेशियो क्या हुआ? एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन इस तरह कहता कि एक्स लीटर दूध है, कितना लीटर? एक्स लीटर, इसमें से वाई लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है, या प्रक्रिया एन बार की जाती है, 3 बार की जगह एन बार की जाती है, तो बताइए अब मिश्रण में दूध कितना भाग बचा, या कितना प्रतिशत, या कितना लीटर बचा? देखो भाई छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग हमेशा के लिए, ऐसे आप लिखोगे x 1 माइनस x बटे में y फुल पावर n, यानी जितनी बार की जाएगी प्रक्रिया, ठीक है। तो देखो भाई अब यानी 30 लीटर तो दूध था टोटल, 1 कितनी बार निकाला गया है? 3 लीटर, तो x हो जाएगा 3 बटे में 30, सॉरी y बटे, इसको x करिएगा तो और ये n की जगह कितना रखे? 30। सॉल्व करिए, जब सॉल्व करोगे भाई तो देखो 30 1 अपॉन 10 38, 3 रहेगा भाई 9 बटे में 10 की पावर, इसकी वैल्यू बताइए तो पहले पूरा आप लोग, यानी 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 नहीं, पूरा बताओ भाई, 729 गुणे 30 अभी करोगे ना, 729 गुणे 3 2187 बटे 1000 ना, ये और आएगा भाई देख लेना। अच्छा एक जीरो काटा, यानी ये, अच्छा तो इसकी वैल्यू कितनी कर दें? देखो भाई अब इतना लीटर दूध बचा आपका, बस समझ में आई। अच्छा ये बताओ भाई, अगर 30 लीटर में 21.87 लीटर दूध है तो पानी पूरा हो जाएगा 30 में से घटा दो, तो 30 में से आप 21.87 अगर 30 में से कितना घटाना है, 21.87 कितना बचा, ठीक। अब इसी का आप रेशियो बना दोगे, किसका किसका? 21.87 अनुपाते किसका?
ठीक, इसका अगर हटा दोगे अब देखो कुछ कटता पिटता है कहीं पे, कटेगा देखो, हाँ किससे कट रहा है, तीन से कटा तो काट दो तीन से, और देखो कोई कौन सा ऑप्शन है, सात और दो और नौ, अनुपात कितना दो सात, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन इस मायने में है कि ये चीज आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता और मैनुअल आप करोगे तो बड़ा लंबा पड़ता। मैनुअल कैसे करोगे, अब मैनुअल जब करोगे तो अब इसका तीन लीटर निकालोगे फिर उसके स्थान, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आप इसके लिए याद रखें। ये सीधे भी पूछ देते हैं कितना लीटर दूध या कितना लीटर पानी, या रेशियो कहा तो इतना लीटर दूध है, निश्चित है कि 30 में से घटाओगे तो जो बचा पानी बचा और उसी का रेशियो बना लोगे। तो भाई ये चीज याद रखिएगा, कौन ऊपर है कौन नीचे इस पे भी ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना था, पोस्ट में वन माइनस जितना निकाला जाता है बटे में टोटल, और होल पावर जितनी बार, तीन बार चार बार दो बार जितनी बार किया जाएगा पावर में बोला। अरे भूल गया तो इतना बड़ा खोपड़ा लेके किस दिन काम आएगा। देखो भाई ये भूल जाता है, मगर तब नहीं भूलेगा तब दो चार बार आप प्रैक्टिस की, इसीलिए तो कहा जाता है कि रिवीजन रखो ना, तो रिवीजन में नहीं भूलेगा। अभी देखो हम ही ऊपर नीचे करने में दिक्कत कर गए, ठीक है। तो ये जब रिवीजन करोगे अप्लाई करोगे काटोगे तो ये अगर नहीं भी है तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रेलवे वगैरह में खूब आता है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें तो कम इस रेलवे में ज़्यादा देते हैं। चलिए अब ये देखिए, तो 75 लीटर एक मिश्रण तो पानी तीन दो है या अनुपात एक दो करना है तो कितना पानी मिलाएंगे, सीधा सीधा है ठीक। कितना लीटर है, 75 लीटर, तो 75 लीटर में सबसे पहले दूध है और फिर भाई पानी, तो बताओ भाई दूध कितना है कह दें, 45 हो जाएगा ना, यानी 45 लीटर दूध और पानी कितना बचा, पहले बताओ सही है ना, ये मिल्क है और ये, पहले बताओ सही है। अब देखिए ये कह रहा है बताइए यदि अनुपात एक और दो करना हो, ठीक तो कह रहा है तो बताओ कितना पानी मिलाना होगा। तो हमने कहा भैया पानी इसमें मिला दो एक्स जी, अब ये अनुपात एक दो हो गया, या अगर ये ना करना चाहो तो ऐसे कर दो 45 अनुपात, ये अनुपात 3+1 और समान अनुपाते एक, दोनों में से कोई भी कर दो, तो बस देख लो भाई ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना 30+x, तो x बराबर कितना है ना, जिसका पूछे कितना पानी मिलाना है तो सीधे उतने में ले जाके x जोड़ दो, और ये दोनों की रेशियो बता रहा है एक दो है तो एक दो कर दिया एकदम सीधे से, ठीक है। अगला देखो भाई, देखो भाई फिर से चीज भाई है, बिलन में अल्कोहल और जल है, ठीक है ये सम्मानजनक भाषा बोलते हैं, दारू है अल्कोहल, ठीक है, और जल का अनुपात कितना है 4 और 3, यानी 4 भाग वो 3 भाग। कह रहा यदि बिलियन में 150 ml मात्रा में कितना पानी मिलाने पे, तो सबसे पहले देख लो भाई इसको 4-3 में बांटो तो बताओ अल्कोहल कितना है, ए फॉर अल्कोहल डब्ल्यू फॉर वाटर, 200 हो जाएगा ना, 200 और देखो भाई मिला के 350 हो ही गया। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, ये भी याद रखिएगा ये पानी वाला ये है, तो हम कहेंगे 200 और ये प्लस, और कितना अनुपात कह रहा है देख लो भाई 100 1200 750 और 5, ठीक है 750 उधर ले जाओ कितना बचेगा 5, ठीक है x बराबर है ना, हम कहेंगे। अगला देखो भाई, वही चीज हो जाएगा, मिश्रण में अल्कोहल जल का अनुपात कितना है, 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल जल का अनुपात, मिश्रण में मूल, भाई मूल मात्रा बताओ
कुल मात्रा देखो, कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का जो अनुपात है 3x है। तो हमने कहा पहले क्या है, अल्कोहल है और क्या है 3x और 4x, यही होगा ना भाई। 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, ये प्लस कितना हो गया, तो हमने फिर से अनुपात बनाया 3x बटे में 4x प्लस 8 बराबर किस अनुपात में, 8 3 कितना होता है और 20x, ठीक है। तो 4x बराबर, x बराबर, देखो भाई x की वैल्यू 10 आई और हमसे पूछा है कि मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में कितनी थी, तो मूल जो था कितना था 3x और 4x, 7 और 7x की जगह इतना कितना हो जाएगा हमारा, यानी 7x की जगह। अगला देखो भाई, हो जाएगा ये उसी तरह का, मिश्रण में 6:1 के अनुपात में अम्ल और पानी है, मिश्रण में 12 लीटर पानी और मिला अम्ल, हो जाएगा भाई आंसर, बोलिए आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि सेम है। हाँ देखो भाई ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखो तो करो पहले, देखो 7.5 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी है भाई, का अनुपात 1:2 है, हमने का मान लिया ए फॉर एसिड 1 और 1.5, 1:2 का मतलब बताओ भाई कितना हो गया 2.5, और ये कितना, ठीक है भाई। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिला दें, कहा 1 लीटर मिला, ठीक। इससे परिणामी मिश्रण में 20% एसिड हो जाए, ये चीज बताओ भाई, हाँ ठीक। देखो 20% अगर एसिड हो जाए यानी 80% क्या चीज, पानी, यानी अनुपात क्या हुआ, अनुपात भाई अगर ये 20% है ये 80% तो कितना बना, 1:4 ही तो बना, तो बस इसी को 1:4 आप कर दो बस, तो आएगा वही आंसर होगा। अगला देखें, ये देखो भाई पढ़ो तो, ये थोड़ा सा डिजिट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, डिजिट वाले में, सही है मगर खतरा अभी बताते हैं, हम तो समझ में चलना है, दिक्कत जैसे लग रहा है यहां तक है, अभी पट्टे से कोई गिर जाएगा, हंसे वो अच्छा कम से कम गिरे ना आदमी भाई। एक बर्तन में अम्ल और जल 32 लीटर है भाई, अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है, जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, देखो भाई यहाँ पे आराम से समझना क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले बर्तन में अम्ल 32 लीटर है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है, तो सबसे पहले भाई देखो अम्ल और वाटर पहले हमें अलग अलग बता दो कितना होगा, 32 का कितना और 12, ठीक है। एसिड मान लिया 12 लीटर 20 लीटर और ये कितना 12, क्लियर है। अच्छा देखो भाई, जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, याद रखिएगा घोल निकाला गया है, ठीक,
निकाला जाता है और बर्तन में इतना लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात। देखो एक चीज भाई ध्यान रखना, जब 12 लीटर घोल निकालोगे 32 लीटर में, ठीक है, तो जो घोल निकलेगा तो उसमें से जो एसिड और पानी निकलेगा वो भी उसी अनुपात में तो निकलेगा ना। तो अब पहले बताओ, अगर 12 लीटर निकाला गया तो इसमें 12 लीटर घोल में इसी अनुपात में आपका पानी और जो एसिड है किस किस में निकल जाएगा रेशियो में, तो 12 का आप कितना 5/8 क्या निकलेगा अम्ल, और 12 का कितना 1/8 ये बताओ भाई कितना आ रहा है, 3 और 2 15 यानी 7.5, और ये 3 और 2 9 यानी भाई ये बात समझ में आई ठीक। अच्छा अब देखो ये कह रहा है कि और बर्तन में इतना लीटर जल मिला दिया गया, अब आगे करो, अरे इतनी बात समझ में आ गई ना। देखो भाई अब चूंकि हमारे पास और 12 ठीक, अच्छा अब इसमें से कह रहा है कि जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में इतना लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो देखो भाई अब सबसे पहले याद रख, अगर मिलाया क्या क्या है जल 7.5 लीटर, तो बताओ भाई अगर इतना लीटर पहले जल निकल गया तो एसिड अभी कितना बचा था वो कर लो और उसी में उतना लीटर पानी डाल देना, थोड़ा सा करिए तो 5/5 आंसर है भाई, देख लो एक बार सब लोग बोलो तो भाई सहमत हो आप लोग इनसे। भाई एक चीज याद रखना, और ये तो एक चीज निकला है, अभी 20 लीटर वाले में भी आप करोगे, 20 लीटर जो एसिड बची भाई थी, जैसे ये 12 लीटर निकाला है तो 20 लीटर वो भी बचा है ना, तो उस हिसाब से भी देखोगे उसमें कितना एसिड है कितना वो है, क्लियर है कि नहीं बात, थोड़ा लंबा पड़ेगा ये, कितना है 5 और, देखो भाई हम कर नहीं रहे, ये कर लिएगा आप लोग अपना, दो चीज बता दिए, कैसे क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताइए, उड़ रहा अभी ऊपर से उड़ रहा, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए तब समझ में आए। शक हो रहा है आपके, देखो भाई यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहले 32 लीटर तो ये है ठीक, 32 लीटर में 20 और 12 तो हमारा ये मालूम है, 20 एसिड है और 12 पानी है, अगर जो ये जब बर्तन में इतना लीटर घोल निकाला जाता है 12 लीटर घोल, देखो 12 लीटर घोल निकालने पे 20 लीटर अभी बचा है और 12 लीटर घोल, तो देखो सबसे पहले इस 20 में बताओ कितना पानी कितना एसिड बचा, और इसमें जो 12 लीटर निकाल दिया उसमें कितना पानी और कितना घोल बचा, ये बात समझ में आ रही, पहले 20 वाले में बताइए कितना एसिड और कितना वो बचा, तो पहले बताएं अलग अलग करके, तो और इसी अनुपात में रहेगा 5 और 3 का, उसमें पहले बताइए तो भाई देखो 20 का कितना कर दें 5/8 कितना हो जाएगा 10/4 50/4 यानी कितना, देखो 12.5 भाई क्या है एसिड और बचा कितना और 7.5 पानी, पहले बताओ ये क्लियर है। अच्छा देखो ये चीज तो हट गया है, 12 तो हटा दिए हैं, तो 20 लीटर बचा था इसमें ये था। अच्छा अब ये कह रहा है और बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता, तो देखो भाई 7.5 लीटर तो पहले ही से था और 7.5 लीटर फिर से मिला दिया गया तो कितना हो गया, तो
12:30 और 15 बात हुआ। अच्छा पूछ क्या रहा है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात, अब यही अम्ल और जल का अनुपात हो गया आपका, कितना आ रहा देखिए, तो पॉइंट हटाओगे तो इसे 125 कर दो और इसको तो इसको कितना कर दोगे, 5 और 6 ठीक है, 5 और। अगला देखो भाई, देखो भाई ये याद रखिएगा, पूछ क्या है, शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा आपसे पूछा है, पर ये तो एक किया था इस तरह का भी आप लोग ने, बोला एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 4:3 ठीक, यानी मान लिया 4x 3x, ये क्या है, पहले दूध है भाई, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया गया बराबर क्रॉस करा दीजिए 4x 3x, x बराबर देखो भाई x की वैल्यू 4 आई है, हमसे पूछा है कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा और शुरुआती मिश्रण में 3x ना, पहले क्या है 4 है भाई पहला दूध, तो 4x की जगह 16 हो जाएगा, फिर अगर पानी रहता तो 12, नहीं तो देखो ये देखो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा देखो, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, पहले पढ़ के बताइएगा, ₹60 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹42 प्रति किलोग्राम वाली चीनी किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, इससे कि मिश्रित चीनी को ₹56 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ हो। देखो भाई समझना, कर तो लोगे ना, मगर करोगे कैसे, एरिगेशन में भाई पहले लिखा 60, आगे बोलो क्या लिखें 42, फिर बताओ भाई 56, फिर क्या करें, नहीं देखो यही गलती कर रहे हो, ये याद कह रहा है कि मिश्रित चीनी को ₹56 प्रति किलोग्राम में बेचने पर मूल्य में 12% का लाभ हो, जब 56 में बेचा जाए तब उसको 12% का लाभ बेचने पे, तो यानी कि पहले जो इसका मिश्रित रूप वो अलग निकाल लें, यानी 56 अगर विक्रय मूल्य है 12% लाभ हो रहा है, तो यानी पहले उसको देख ले किस मूल्य पे था। हाँ अच्छा देखो भाई, यानी इसका कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 56/112 और ये बताओ कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2.50, यानी ये जो है ये एलिगेशन में ये 50 रहेगा ना कि 56, अब 50 वाले को जब 56 में बेचोगे तब 12% का लाभ दिखाएगा, तो अब बताओ ये कितना हो गया 8 और ये कितना भाई 4/5, यानी इस अनुपात में आप मिलाओगे, कहाँ है ये, इस चीज को छोटा सा ध्यान देना, क्योंकि ये 12% लाभ के बाद 56 है, उससे पहले ये कितना था 50 ठीक है। अगला देखो भाई, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा ठीक, तो क्या हो जाएगा 300 200 200 कितना 75 और ये भाई 1:1 है ऑप्शन, तो देखो भाई ये क्वेश्चन पढ़िए, मिश्रण में 11% शुद्ध दूध और 2% पानी है, यानी
ग्यारह दो, यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाल दिया जाए, याद रखना भाई 35 लीटर पानी डाल दिया, नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, यानी कि ये अनुपात बनाना पड़ेगा कि कौन किसका दुगुना है। ठीक, तो वास्तव में मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है बताओ भाई, कितना लीटर शुद्ध दूध है? एक सौ दस। देखो भाई, यानी 11x मान लिया ये और 2x और 2x, मिश्रण में 35 लीटर, तो इसमें किसमें जोड़े 35, 2x में। अब ये अब देखो भाई, ऊपर दूध है के? तो कह रहा है कि पानी मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा, यानी 2 और 1 क्रॉस करा दो भाई। हाँ, 11 में से 4 गया तो एक्स बराबर, अब देखो भाई क्योंकि एक्स बराबर 10 आया और शुरू में हमने 11x ये माना था और 2x ये, एक्स से गुणा हो जाएगा तो 11 × 10 ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई कि अंतिम में पूछते क्या हैं, तो पूछते समय कब इसको एक्स कर लेंगे और कब उसी तरह रहने देंगे वो हिसाब से, ठीक है। चलो भाई, ये रहा अंतिम हम लोग का, चलिए फिर अगली बार फिर अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।